हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं फिर से आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी फाइबर, प्रोटीन और विटामिन ए बी सी से भरपूर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपीज लेके आए हूँ। इसे खिलाने से बेबी का वजन तेज़ी से बढ़ेगा, साथ में ये स्वाद में भी काफ़ी लाजवाब है। इसे खा के बेबी को अच्छी नींद भी आएंगी। तो चलिए इस हेल्दी सी एंड ईजी सी फूड को बनाना चालू करते हैं। इस हेल्दी सी फूड को बनाने के लिए सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और यहाँ पे पेन बिठाते हुए एक चम्मच लगभग घी ऐड कर लेंगे। याद रहे ऑलवेज बेबी का फूड जो है घी में ही बनाएं। उसके बाद में हल्का सा घी गर्म होने लगे दो चम्मच बराबर गेहूं का आटा मिला लेंगे। ये पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ रहता है, तो गेहूं का आटा आप हफ्ते में दो से तीन बार बना के इस तरह से दोगे तो तेज़ी से बेबी का वज़न बढ़ेगा, साथ में बेबी को भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर मिलेगा और ये पचाने में भी काफ़ी इजी होगी। इस तरह से पानी मिला देंगे, जैसे यहाँ पे आटे में खुशबू आने लगे आधा ग्लास लगभग पानी ऐड करते हुए फटाफट से चलाएँगे ताकि इस आटे के अंदर में लम्स या तो फिर गुठलियाँ ना बने। तो फटाफट चलाने के बाद में यहाँ पर सारा आटे ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। इसे पकाते हुए हमने दो से तीन मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर में मिला देंगे बेबी मिल्क या तो फिर काओ मिल्क। आप चाहे तो इस फूड को पानी से भी तैयार कर सकते हैं। अगर दूध से बना के तैयार करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा और भी हेल्दी बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने फुल क्रीम वाला काओ मिल्क ऐड किया है, आप चाहे तो कोई भी मिल्क ऐड कर सकते हैं। लगभग मैंने आधा ग्लास मिल्क ऐड कर दिया है। दोबारा से इसे दो से तीन मिनट और हम पका लेंगे। तो टोटल फूड को हमने यहाँ पे पकाते हुए पाँच से छः मिनट हो चुका है। धीरे धीरे फूड गाढ़ा कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब इसी में इसके अंदर में हम ऐड कर देंगे एक पीस बनाना, जिसे हमने यहाँ पे मैश करके रख लिया था। आप यहाँ पे बनाना का क्वांटिटी आधा पीस या तो फिर एक पीस, जितना आपका बेबी को मीठा पसंद है इसी अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनाना प्यूरी ऐड करने के बाद में अच्छे से मिक्सअप करते हुए दोबारा से लगभग और एक मिनट पका लेंगे। तो लीजिए, अब हमारा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड बनके तैयार है। इसे आप छः महीने से लेकर पाँच साल तक के बच्चों को हफ्तों में चार बार सुबह का टाइम में बनाकर दे सकते हैं। बच्चे तो बच्चे, इस फूड को आप बड़े भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होता है और ये फूड पचाने में भी काफ़ी आसान है और बच्चों का वज़न भी तेज़ी से बढ़ेगा और बेबी इसे खाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा। डियर पेरेंट्स, आप भी इस हेल्दी सी रेसिपीज़ को आप भी अपने बच्चों में ट्राई कर सकते हैं। और आज का रेसिपीज आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें। ऐसे न्यू और हेल्दी रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।